जब श्री राम सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए उन 7 ताल के वृक्ष को भेजते हैं, पर्वत को भेजते हैं और रसातल को भेज देते हैं, उसके बाद में ततः प्रीतमनः तेन विश्वस्तः स महाकपि किष्किन्धाम राम सहितो तो जगाम च गुहाम तथा, उसके बाद में विश्वस्त होकर, आश्वस्त होकर के प्रीत मनहा प्रसन्न मन वाले महाकपि सुग्रीव किष्किन्धाम जगाम, किष्किन्धा में गए, राम सहितो तो गुहाम तथा राम के साथ किष्किन्धा में गुफा में चले गए। ततो अगर्जत हरिस्वर सुग्रीवो हेम पिंगल तेन नादीन महता निर्जगाम हरिस्वर। हेम पिंगल स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण हरिस्वर कपीश्वर सुग्रीव अगर्जत गर्जना करता है, युद्ध के लिए ललकारता है। तेन महता नादेन हरिश्वरे निर्जगाम, तेन महता नादेन उसे बहुत तीव्र नाद से, घोर स्वर से हरिश्वर जो बाली है वह बाहर निकलते हैं। अनुमान्य तदा ताराम सुग्रीवेण समागतः निजगान च तत्रेनम शरेण एकेन राघव। अनुमान्य तदा ताराम सुग्रीवेण समागत निजगान च तत्रेनम शरेण एकेन राघव। अनुमान्य तदा ताराम, तब तारा के बहुत मना करने के बाद भी वो उसको आश्वस्त करते हैं। तारा को, तारा उसको मना करती है, बाली की पत्नी ही तारा, तो तारा बाली को मना करती है कि नहीं आप वहाँ मत जाइए, उनके साथ में श्री प्रभु श्री राम भी हैं सुग्रीव के साथ में, आप युद्ध करने के लिए मत जाइए। लेकिन बाली उसको आश्वस्त करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत बलशाली हूँ, प्राकृत मेरे कुछ नहीं होगा, ऐसा उसको विश्वास दिला करके फिर सुग्रीवेण समागत है, सुग्रीव से आकर के भिड़ जाता है, युद्ध करने लग जाता है। निजगान च तत्र एनम शरेण एकेन राघव, राघव श्री राम एकेन शरेण एक ही बाण से एनम निजगान बाले को मार देते हैं, बाले का वध कर देते हैं। ततः सुग्रीव वचनात् हत्वा बालिनम आहवे सुग्रीवम एव तद्राज्ये राघव प्रत्यपादयत्। ततः उसके बाद में सुग्रीव वचनात् सुग्रीव के वचन के अनुसार बालिनम आहवे हत्वा, बाली को युद्ध में मारकर सुग्रीवम एव सुग्रीव को ही तद राज्य उस राज्य में प्रतिपादयत् यानी उस राज्य का राजा बना देते हैं। राघव श्री राम सुग्रीव को ही वहाँ का राजा बना देते हैं, बाली के स्थान पर सुग्रीव को राजा बना देते हैं। सहचे सर्वान समानीय वानरान वानर सरस्व दिशे प्रस्थापयामास दिदृक्षुर जनकात्मजा। सहचे और वह सर्वान समानीय वानरान, वह वानरस्व मतलब वानरों में श्रेष्ठ है, वानर प्लस ऋषभ है तो वानरों में श्रेष्ठ वानर ऋषभ है ये, तो वानरों में श्रेष्ठ जो सुग्रीव है वह सर्वान वानरान समानीय है, सभी वानरों को बुलाकर दिशे प्रस्थापयामास दिदृक्षु जनकात्मजाम, जनक आत्मजाम जनकस्य आत्मजाम जनक की जो पुत्री है, राजा जनक की जो पुत्री है सीता, उसको देखने के लिए ढूंढने के लिए सभी वानरों को सभी दिशाओं में भेज देते हैं। फिर ततो गृधस्य वचनात् संपाते हनुमान बलि सतयोजन विस्तीर्णम पुप्लुवे लवणार्णवम। तथा उसके बाद में
संपाते गृधस्य वचनात्, संपाते नामक गिद्ध के वचन के अनुसार कहने पर बली हनुमान, बलवान हनुमान, सतयोजन विस्तीर्णम, सो योजन मतलब 400 कोस दूर में फैला हुआ लवण प्लस अर्णवम या दीर्घ संधि है, तो खारे समुद्र को पुप्लुवे पार कर जाते हैं जो संपाति जटायु का बड़ा भाई गिद्ध है। वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं, दूर तक देख लेते हैं कि सीता माता को रावण किस साइड में लेके गए थे या कहाँ पे है। तो बताते हैं कि यहाँ दक्षिण दिशा में लंका है, लंका में सीता माता रावण लंका में सीता माता को ले गया है। तो इस समय सीता माता लंकापुरी में है, तो उसके बीच में 400 योजन समुद्र पड़ता है। तो सीता माता की खोज में बजरंग बली हनुमान, सतयोजन विशाल जो सतयोजन में फैले हुए हैं सागर, उसको पार कर जाते हैं। तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावण पालिताम, ददर्श सीताम ध्यायन्तीम अशोक वनिकागताम। तत्र वहां लंकां समासाद्य, लंका को प्राप्त होकर के लंका पहुंचकर, लंकां पुरीं समासाद्य रावण पालिताम, रावण के द्वारा पालित लंकापुरी में पहुंच जाते हैं। ध्यायन्तीम राम का ध्यान करती हुई, अशोक वनितागताम अशोक वाटिका में बैठी हुई राम का ध्यान करती हुई सीता को देखते हैं। निवेदयित्वा अभिज्ञानम प्रवृत्तिम विनिवेद्य च समाश्वास्य च वेदेहीं मर्दयामास तोरणम। निवेदयित्वा अभिज्ञानम, अभिज्ञान जो प्रभु श्री राम ने अंगूठी स्मृति के रूप में, पहचान के रूप में बजरंग बली को देकर भेजी थी, तो हनुमान जी स्मृति यानी अभिज्ञान वो सीता माता को दिखाते हैं कि प्रभु श्री राम ने अंगूठी पहचान के रूप में भेजी है। प्रवृत्ति विनिवेद्य च, और बताते हैं पूरा वृतांत, बताते हैं समाचार सुनाते हैं। समाश्वास्य च वेदेही, और वेदेही को आश्वासन दिलाते हैं। उसके बाद में तोरणम मर्दयामास, तोरण द्वार को तोड़ देते हैं। पंच सेनाकृगान हत्वा सप्त मंत्री सुतान अपि सूरम अक्षम च निष्पिष्य ग्रहणम समुपागमत। पंच सेनाग्रगान हत्वा सप्त मंत्री सुतान अपि, यानी जो पांच अग्रणी सैनिक थे उनको मारकर, सप्त मंत्री सुतान अपि मंत्रियों के साथ पुत्रों को मारकर, सूरम अक्षम चनिष्पिष्य सूरवीर अक्ष कुमार को मसल कर, ग्रहणम समुपागमत वो पकड़े गए। यानी कि वो स्वयं ही वो चाहते थे कि अब मेरे को पकड़ लें, तो फिर पकड़ लिए गए। तत्पश्चात अस्त्रेण उन्मुक्तम आत्मानम ज्ञात्वा पिता महात्वरात मर्सियन राक्षसान वीरो यंत्रिणस्तान यदृच्छया। अब जो इंद्रजीत है उसने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को पास में बांध लिया था, जकड़ लिया था, लेकिन ब्रह्मा जी का, हनुमान जी का भी वरदान मिला हुआ था कि आप किसी बंधन में नहीं रहोगे, कि आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो शीघ्र ही कुछ ही पल में वो बंधन से मुक्त हो गए थे। उनको पता भी था कि मेरे कोई पास नहीं है, यानी इंद्रजीत के उस पास से तो मुक्त हो गए थे, लेकिन जो अन्य जो सूरवीर थे, राक्षस थे,
उन्होंने रस्सियों से उनको बांध रखा था, तो हनुमान जी ने कुछ भी प्रयास नहीं किया उनसे बंधन से मुक्त होने का। वो चाहते थे कि ये मुझे ऐसे ही पकड़ के ले जाए ताकि मैं रावण के दर्शन कर सकूं, मतलब रावण को देख सकूं, रावण से मिल सकूं। तो रावण से मिलने के लिए वो स्वयं ही यदृच्छया इच्छा से ही स्वेच्छा से ही बंधन में थे।